दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि यदि इस पृथ्वी पर से पानी का नामो निशान ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो दोस्तों, बात कर रहे समुद्र के पानी की, यानी अगर सारे समुद्र सूख जाए तो क्या होगा, उसके बाद हमारी पृथ्वी कैसे दिखेगी। इससे पहले आपको बता दें कि धरती का 70% हिस्सा महासागरों से भरा हुआ है, सिर्फ 30% हिस्से में जमीन है जहाँ इंसान रहते हैं। ये तो सभी सोचते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से महासागरों का जलस्तर कभी इतना बढ़ जाएगी कि कई देशों के तटीय इलाके डूबने लग जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सारे महासागर का जल खत्म हो जाएगा तो ये पृथ्वी कैसे दिखेगी, कैसे दिखेगा पृथ्वी का नक्शा? अंत में जब 1,40,000 मीटर नीचे पानी चला जाएगा, यानी हमारे धरती से वे सभी जीव, मछली, सांप जो समुद्र में पाए जाते हैं, वो खत्म हो चुके हैं, खत्म हो जाएंगे। पूरा समुद्र रेगिस्तान हो जाएगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश की गर्मी की वजह से समुद्र इतना पानी के साथ रह सकता है, और वॉटर साइकिल भी टूट जाएगा, और आकाश से सारा बादल भी गायब हो जाएगा, और इसकी वजह से बारिश होगी ही नहीं। धरती का 97% जो वॉटर है वो सूख चुका होगा, 3% पानी जो होगा वो वॉटर साइकिल में काम नहीं करेगा, और पूरा धरती सूख जाएगा। ना कोई अनाज हो पाएगा, ना कोई और हो सकेगा, और सारे इंसान भूख से मरने लगेंगे, और फिर पानी की कमी के चलते पशु और इंसान डिहाइड्रेशन से मरने लगेंगे। बहुत भयानक स्थिति हो जाएगा। तो दोस्तों, वॉटर साइकिल है तभी तो लाइफ है।